दोस्तों, आर्मी के जवानों के साथ जो ये कुत्ते आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण डॉग्स नहीं है। ये डॉग्स भी आर्मी के जवानों की तरह ही हाईली ट्रेन्ड और स्किल्ड है। आर्मी के जवानों की तरह इन डॉग्स की ट्रेनिंग भी काफी मुश्किल होती है। इन डॉग्स की ट्रेनिंग में आर्मी मेहनत के साथ साथ काफी पैसा भी खर्च करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आर्मी डॉग्स की कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आपका स्वागत है। आज विश्व की लगभग सभी देशों की आर्मी युद्ध जीतने के लिए आधुनिक हथियारों के साथ साथ डॉग्स की भी सर्विसेज ले रही है। भारतीय सेना में भी कुत्तों की कुछ ऐसी ही भूमिका रहती है। लेकिन अपने कैंप में शामिल करने से पहले आर्मी के लोग इन डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि समय आने पर ये डॉग्स जवानों की सहायता कर सकें। दोस्तों, आर्मी कुछ खास नस्ल के डॉग्स को ही अपनी सेवा के लिए हायर करती है। कैंप में शामिल होने से पहले डॉग्स की नस्ल से जुड़ी क्वालिटी की जांच की जाती है। इस जांच में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस पर्टिकुलर डॉग की स्मेलिंग पावर क्या है, डॉग फिजिकली फिट है या नहीं। इन चीजों के सही पाए जाने के बाद ही आर्मी किसी भी कुत्ते को सेवा में लेती है। डॉग्स की सिलेक्शन के बाद इन्हें वॉर डॉग्स ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है। फिर शुरू होता है इन डॉग्स की कठिन ट्रेनिंग का दौर। डॉग्स की बैटल फिजिकल एफिशिएंसी ट्रेनिंग ठीक उसी तरह दी जाती है जैसे किसी दूसरे सैनिक को दी जाती है। देसी नस्ल के कुत्तों को तो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन विदेशी नस्ल के डॉग्स में एनवायरमेंट में हुए बदलाव के कारण बीमार होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए इन डॉग्स को सबसे पहले एडजस्टेबल बनाया जाता है। इसके बाद 3 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग में डॉग्स को ऑर्डर फॉलो करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इन स्पेशल डॉग्स को ऊंची जगह पर चढ़ना और उतरना, बैलेंस बनाकर 2 पट्टियों के बीच चलने जैसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इन वॉर डॉग्स को ये सब सीखना जरूरी है, क्योंकि इन्हें भी एक दिन जरूरत पड़ने पर सेना के जवानों की तरह ही मैदान जंग में उतारा जा सकता है। इसके बाद 36 हफ्ते की एडवांस ट्रेनिंग शुरू होती है। इन डॉग्स की ट्रेनिंग आर्मी के जवानों की तरह ही सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह तड़के इन डॉग्स को उनके केनल से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद पीटी और फिर 4 किलोमीटर की दौड़ की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन डॉग्स को 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक में इन कुत्तों की मालिश होती है, फिर उन्हें नहलाया जाता है। फिर इन सब के बाद इन्हें अलग अलग जैसे कि बॉम्ब एंड वेपन डिटेक्शन, ड्रग डिटेक्शन, घुसपैठियों का पीछा करना और हमले के समय सैनिकों के साथ चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर डॉग का अपना किट बैग होता है, जिसमें उसके खुद का जरूरी सामान होता है। ट्रेनिंग के दौरान इन कुत्तों को रस्सी से नहीं बांधा जाता। आर्मी इन डॉग्स को इनके गर्दनों पर लगे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के जरिए कंट्रोल करती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये डॉग्स किसी जाबाज जवान की तरह ही युद्ध के मैदानों में दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें द मिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल ऐसी ही और वीडियोस के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।